मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी सुगम संस्कृत। अपनी अपनी बुक निकालिए और शुरू करते हैं पढ़ना। आज हम अध्याय चार चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, पाठ चार। तो अपनी अपनी बुक निकालिए और खोलिए। तीन चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो गया है, अब फोर चैप्टर पढ़ना है आपको, पाठ चार पढ़ना है। चलिए, ये आपका है चतुर्थ पाठ, अकरांत पुलिंग त्रिषु वचनेषु। क्या कह रहा है? अकरांत पुलिंग लिंग है, तीनों वचनों में है। अकरांत पुलिंग लिंग कर्ता और क्रिया तीनों वचनों में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपका ये नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा विषय आपका नया है, इसके पहले आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझने में आप लोगों को समय लगेगा, लेकिन अगर मन लगा के पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए क्या है, पुलिंग लिंग है। एक वचन में बालका खेलति, एक वचन में बालका खेलति मतलब बालक खेलता है। क्या है? बालक खेलता है। अब दो वचन देखिए, बालको खेलता, दो बालक खेलते हैं। बालको खेलता, बालकों का दो बालक हो जाएगा, बालको खेलता, दो बालक खेलते हैं। और बहुवचन में हो जाएगा मतलब दो से अधिक के लिए, तो बालका खेलन्ति सब बालक खेलते हैं। क्या आ जा? सब बालक खेलते हैं। वानर खादति, बंदर खाता है, खादति मीन्स होता है खाना, तो वानरा खादति बंदर खाता है। वानरो खादता, दो बंदर खाते हैं, दो बना है यहाँ पर, दो बने हैं। वानरा खादन्ति, सब बंदर खाते हैं। वानरा खादन्ति, सब बंदर खाते हैं। यहाँ यहाँ दो से अधिक के लिए बहुवचन है, वानरा खादन्ति बालका खेलन्ति बच्चे खेलते हैं, वानरा खादन्ति और बंदर खाते हैं। शिक्षका लिखति, शिक्षक लिखते हैं, लिखता है, शिक्षको लिखता, दो शिक्षक लिखते हैं, और शिक्षका लिखन्ति, सभी शिक्षक लिखते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग में कर्ता के साथ क्रियाओं के प्रयोग। अभी तक आपका क्या था? इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो था आपका कर्ता क्रिया प्रयोग, हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कर्ता क्रिया प्रयोग, ठीक है। आज आप अकारांत पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, तो कर्ता का के साथ क्रिया का प्रयोग समझाया था। अब पुल्लिंग में कर्ता के साथ क्रियाओं का, अब क्या कह रहा है कि पुल्लिंग लिंग में कर्ता के साथ क्रियाओं का प्रयोग बता रहा है, ठीक है। अब कैसे बता रहा है, देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, रामा पठती रामो पठता रामा पठंती, बालका लिखती बालको लिखता बालका लिखंती। पुल्लिंग में कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग, ये कर्ता है राम, और वो क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ रहा है। कर्ता क्या है? राम है, और वो क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रामा पठती, रामा पठता, दो राम पढ़ रहे हैं, और रामा पठंती, सभी राम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? पुल्लिंग में कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग है। बालका क्या है? कर्ता है, और क्रिया क्या है? वह लिख रहा है। वो क्या क्या वो बालक क्या काम कर रहा है? कर्ता क्या काम कर रहा है? लिख रहा है। तो ये हो गई आपकी क्रिया। तो बालका लिखती, बालक लिखता है, बालको लिखता, दो बालक लिखते हैं, और बालका लिखंती, सब बालक लिखते हैं। आगे समझ में, कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग। आगे फिर देख लीजिए, अश्वा कर्ता धावती, वह क्या कार्य कर रहा है? दौड़ रहा है। तो अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वा धावंती, दो से अधिक है तो सब घोड़े दौड़ते हैं। बालका क्रीडती, बालक करता है, और क्रिया वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो बालका क्रीडती, बालक खेलता है, बच्चा खेल रहा है। बालको क्रीडता, दो बालक खेलते हैं, और बालका क्रीडन्ति, सभी बालक खेलते हैं।
वृषभा, वृषभा मीन्स होता है बैल, वृषभा खादंती, बैल खाता है, वृषभो खादत, वृषभो खादती, दो बैल खाते हैं और वृषभा खादंती, सभी बैल खाते हैं या खा रहे हैं। अब है क्रियाओं के साथ कर्ता के प्रयोग। पीबती, पिब पीता है, पीबती का होता है पिब और हिंदी में होता है पीता है। पीबतः दो, पीबतः का दो होता है और पीते हैं, पीबन्ते सब पीते हैं। क्रीडति खेलो, खेलता है, क्रीडता दो के लिए प्रयोग होता है, क्रीडता खेलते हैं, क्रीडन्ति सब के लिए, दो से अधिक के लिए खेलते हैं। खादति खाद खाता है, खादता दो खाते हैं और खादन्ति सब खाते हैं। लिखति लिखता है, लिखता दो लिखते हैं और लिखन्ति सब लिखते हैं। धावति धाव दौड़ता है, धावता दो दौड़ते हैं और धावन्ति सब दौड़ते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्रियाओं के साथ कर्ता के प्रयोग को ये समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया अकारांत पुल्लिंग लिंग। अब देखिए आगे, ये शब्दार्थ है, इसको कॉपी में आपको नोट करना है, अभी हम बता देंगे, फिर वाली बुक में देखिए। शुका का अर्थ होता है तोते, ये बहुवचन है तो तोते। नरा एक से अधिक आदमी, हस्ता हाथ, लूका उल्लू, सर्पा सांप। हंसा का हिंदी अर्थ होता है हंस, मूषका चूहे, काका कौवा, भल्लुका भालू, वृषभा बैल। चंद्रा का अर्थ होता है चंद्रमा, रजका का अर्थ होता है धोबी, रजका का अर्थ धोबी, मयूरह का अर्थ होता है मोर, बालका का बालक, मृगह हिरण, नृपा राजा, गजा का अर्थ होता है हाथी, तारका मीन्स होता है तारे, कुकुरा मीन्स कुत्ते और वानरा मीन्स बंदर। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अन्य पुलिंग शब्दार्थ, अन्य पुलिंग शब्दों के अर्थ देख लीजिए। देवा का अर्थ होता है हिंदी में देवता, कपोता का अर्थ होता है कबूतर, अश्वा का घोड़ा अर्थ होता है, वृक्षा का हिंदी अर्थ होता है वृक्ष या पेड़, अध्यापका का शिक्षक, सेवका का सेवा करने वाला, ईश्वर ईश्वर या भगवान, मरकटा मरकटा का अर्थ होता है वानर, व्याघ्रा मीन्स होता है बाघ, व्याघ्रा का हिंदी होता है बाघ, बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं, पिका कोकिला और पंडिता विद्वान, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो जब आगे अनुवाद करना होगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अभ्यास कार्य में, पठति लिखति धावति क्रीडति गच्छन्ति, इनमें मूल धातु क्या है, और क्रीडति खादति पीबति पठति गच्छति, क्रियाओं का शुद्ध उच्चारण कीजिए, आपको शुद्ध रूप से इसको बोलना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ लिखिए, तो ये सब हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लिखना है कॉपी में। पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, चतुर्थ पाठा पाठ चार अकारांत पुल्लिंग त्रिश वचने इसको ऐसे डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया है वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। इस वर्ड मीनिंग को लिखने के बाद फिर अभ्यास कार्य पे आइएगा, तो निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ लिखिए। सुरेंद्र पठति सुरेंद्र पढ़ता है, वानर कूदन्ति बांदर सॉरी बंदर कूदते हैं, नरेंद्र खाद खेलती नरेंद्र खेलता है, श्यामा लिखति श्याम लिखता है, गजो धावता दो हाथी दौड़ते हैं, बालिका गच्छन्ति बालक या लड़के जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, पीडीएफ जाएगा उसमें आप लिख लीजिएगा कायदे से इसको देखकर। संस्कृत में वाक्य बनाइए, बैल दौड़ता है वृषभ धावती, दो हाथी चलते हैं गजा चलता है, गजा चलता नरेशा सॉरी नरेश लिखता है नरेशा लिखती, उमेश खाता है उमेशा खादती, अनेक बालक जाते हैं बालका गच्छन्ति,
मोहन जाता है, मोहना आगमश्यति। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में पर्याय लिखना। एक मनुष्य का नर, एक बालक का बालका, एक कोयल का पिक, बहुत से हाथी गज, दो कोयल पिको, दो कौवा काक, दो छात्र छात्र, एक घोड़ा अश्व, एक हिरण मृग। ये सब आपको लिखना है, बोल बोल कर लिखिएगा तो आपको संस्कृत का अच्छे से उच्चारण कर लेंगे और साथ में आपको लर्न भी होता जाएगा, याद भी होता जाएगा अगर बोल बोल कर लिखेंगे इसको तो जो भी लिखिएगा उसको बोल बोल कर लिखिएगा तो संस्कृत पढ़ने आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और अंतर बताइए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो देखिए सिंघा सिंघो सिंघा, गजा गजौ गजा, नरा नरव नरा, बालका बालको बालका, शिष्या शिष्यो शिष्या, मृगा मृगो मृगा, विडाला विडालो विडाला, कुकरा कुकरो कुकरा। तो इसमें अंतर बनाना था तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ऐसे अंतर स्पष्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, पीडीएफ जाएगा उससे कायदे से आप लोग इसको देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए और चैप्टर भी हमने आपको समझा दिया, देखिए हो गया ना, ये भी हमने आपको करवा दिया। ये है, ये आप अपने मन से इसमें भर लीजिएगा। ठीक है, लिखा है कि नीचे लिखे गए शब्दों में क्रिया का प्रयोग करना है, तो ये क्रिया का प्रयोग क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, पी रहा है तो बालका पीबती, हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे गजा धावता धावता, अश्व एक से अधिक है धावंती हो जाएगा, शुका ये जो आपका है इसको क्या करना है, क्रिया क्या काम कर रहे हैं उसको आपको लिखना है। ये हमने आपको समझा दिया है क्रिया का प्रयोग, कर्ता और क्रिया का प्रयोग हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, इसलिए आप लोग इसको कर लेंगे अपने मन से। पिक्चर बनी हुई है, चित्र बना है, चित्र के अनुसार आपको उसकी क्रिया लिखनी है कि कौन क्या क्रिया क्या कार्य कर रहा है। यहाँ हमने आपको एक समझा भी दिया है कि बालिका पीबती, एक वचन है तो पीबती हो गया, गजा धावता हाथी दौड़ते हैं तो धावता हो जाएगा या चलता हो जाएगा, यहाँ चलता लिख दीजिएगा क्योंकि दो वचन है तो चलता हो जाएगा, दो हाथी चल रहे हैं। और अश्व तो बहुत से हो गए, दो से अधिक हो गए तो अश्व हो गया तो धावंती हो जाएगा। ठीक है, दौड़ते हैं घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप अपने मन से लिख लीजिएगा। इतना हमने आपको समझा दिया कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इधर भी ये दिया हुआ है, इसको भी पूरा फिल कर लीजिएगा। कपोता शशको मीन्स खरगोश होता है, मयूरा मीन्स मयू मोर, सैनिका सैनिक, कुकुर कुत्ता और सिंघा शेर। ये आपको स्वयं करना है, ये और ये हमने कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए ये भी आपका मूल शब्द एक वचन द्विवचन, इसको भर लीजिएगा, नरह नरो नरह, ये भी आपका होमवर्क है, नरह नरो नरह। फिर बाल बाला बालो बाला, देव देवा देवो देवा, गज गजा गजो गजा, खग खगा खगो खगा। हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है, तो ये आप कर लेंगे अच्छे से क्योंकि ये चैप्टर हमने आपको बहुत कायदे से समझा दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ अपने से भी लिखिए तो आपको कायदे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहले इसको पढ़ लीजिएगा, हमने तो आपको समझा ही दिया है, फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका अध्याय चार चतुर्पाठ आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िए और फिल कीजिए, और जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।